Hello and welcome back to our channel कहाँ जाना एंड स्पेशली इन दिस सीरीज ऑफ एक्सप्लोरिंग जयपुर, जिसमें कि मैंने सिर्फ एक ही दिन में जयपुर को जितना हो सके एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है और वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और सिर्फ मैंने अकेले नहीं, ये हो पाया मेरी फ्रेंड रोशनी की वजह से। तो सीरीज में बने रहिएगा, जिसमें कि मैं कैसे इंदौर से जयपुर पहुँचा, मेरा जयपुर में फर्स्ट मेट्रो एक्सपीरियंस कैसा रहा, देन रोशनी और मैंने वहाँ के फोर्ट्स को कैसे एक्सप्लोर करा। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करें। तो दोस्तों, अचानक से प्लान बना है, अचानक से निकल रहे हैं अपन और यहाँ से अभी जाएंगे अपन बापट, वहां से पकड़ेंगे अपनी गाड़ी, 500 रुपए का टिकट। टिंडे को भी टाइम क्या रहा घड़ी में, और 9:10 में मेरी गाड़ी है, 10 मिनट मेरा सफर पड़े थे होने वाला। खाना नहीं खाया तो केला खा लो। चल रहे फिर, अब अभी छोड़ने जाएंगे अपने को, विश में ऑल द लक। तो देखो देवी और सज्जनों, अपन अपने समय पर पहुंच चुके हैं और 9:10 हो गई है और हम 15 मिनट पहले ही आ चुके थे, ठीक है। पर ये अब गाड़ी कब आती है हमारी, उसका इंतजार कर रहे हैं। पूरे 1 घंटे के विलंब के बाद हमारी गाड़ी आती हुई। तो ऐसी कुछ है अपना इंटीरियर बस का, और ये है ये टाइमिंग, इसका थोड़ा और था आगे। तो ये था पहला ब्रेक जहाँ पर आप गाड़ी को पूरी देख सकते हो। हम खाने के लिए यहाँ पर रुके थे, लेकिन मैं सिर्फ सड़कों को ही देखकर अपना पेट भरता चला गया। सोचा कि 500 का टिकट है ना, 100 रुपये का और खर्चा कर लेते हैं। अपन ने भाई साहब को मनाया और उन्होंने एक खाली स्लीपर अपने को दे दिया, और जैसा कि आप देख पा रहे हो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कोटा। और इसी के साथ हम लोग कोटा में एंटर तो हो चुके थे, लेकिन मेरी नींद आने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि आप थोड़ी ही देर में देखोगे कि कोटा का जो नाइट व्यू था, भाई साहब मेरा तो मतलब, मैं दिन में आने की बहुत मेरी इच्छा है, और कोटा की ये खूबसूरती देखकर मेरे अंदर जाके क्यूरियोसिटी, और मैंने थोड़ा सा गूगलिंग करा तो मुझे पता चला कि कोटा शहर जो है, कोचिंग के लिए तो खैर हम सभी जानते हैं, लेकिन छात्रों के अलावा कोटा की पूरे विश्व में एक और पहचान है, और वो ये है कि कोटा पूरे विश्व में दूसरा ऐसा शहर है भूटान के बाद जो कि ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी है। अब आप सोचो दोस्तों, इस सिटी में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो ये देखने लायक शहर नहीं है। तो इसीलिए मैं अब नेक्स्ट जो अपनी ट्रिप है वो कोटा में डेफिनेटली करने वाला हूँ। अगर आपने मेरी जयपुर वाली जो जर्नी है, जो अभी मैं वीडियोस जो रिलीज़ करने वाला हूँ, इनको अगर बहुत अच्छा प्यार दिया तो, और नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर देखा है दोस्तों वो है चंबल रिवर फ्रंट, जो कि आप मुझे साइड से देखते हुए देख पा रहे हो, आप गूगल भी कर सकते हो। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जो है जानकारी निकालने की कोशिश करी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये 4 बजे से 12 बजे तक, शाम के 4 से रात के 12 बजे तक जो है ओपन रहता है, जिसमें कि 10 बजे के बाद जो है क्लोजिंग हो जाती है, अब एंट्री नहीं होगी 10 बजे के बाद। ऑनलाइन आप इसका टिकट बुक कर सकते हो, कोटा वासियों के लिए तो भैया बिल्कुल ही मुफ्त है। एक बार में एक ही टिकट बुक कर सकते हो एक आधार कार्ड पर, और अगर सिंपल आप प्राइस पूछो तो 200 रुपये पर पर्सन है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो 100 रुपये। तो फिर वेट क्यों कर रहे हो यार, क्रूज प्राइस भी है, बहुत सारी चीजें, आप गूगल करो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अभी है 71 किलोमीटर पहले जयपुर के, 1.5 घंटा और लगेगा। जयपुर में एंटर होते से ही श्री राम इंदौरी पोहा वाले भाई साहब दिख गए, और बाजू में ही सुवीटासस, क्या सही प्रोनंसिएशन हो ऊपर वाले का वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ उतर चुके हैं अपन जयपुर, जो कि उतरना कहीं और था लेकिन उतार कहीं और दिया गया अपने को। अभी तो हगना मुतना समझ ले अपन, फिर आगे की चर्चा हगने मुतने के बाद। मेट्रो स्टेशन के नीचे ही गए तो पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य स्थल पर। तो जयपुर सफाई जल्दी में इतना था मैं, क्योंकि अब मॉर्निंग है ना, नेचर्स कॉल, तो मैं आपको आउटरो देना ही भूल गया। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस सीरीज़ में हमारे पास आगे और वीडियो आने वाले हैं, जैसे कि आपको मैं मेट्रो दिखाने वाला हूँ, आपको मैं जयपुर के जो फोर्ट्स हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा, डे एवरी डे मैं एक एक वीडियोज़ रिलीज़ करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।